और अब दिल्ली में कांग्रेस के मंथन की, दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी से बैठक हुई और बैठक में चुनावी रणनीति के साथ कैप्टन की नई टीम को लेकर भी चर्चा हुई। राहुल गांधी के घर पंजाब के दिग्गज कांग्रेसियों का इकट्ठ इशारा करने के लिए काफी था कि चुनाव रणनीति को लेकर कांग्रेस कितनी सरगर्म है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह, सीएलपी नेता चरणजीत सिंह चन्नी और अंबिका सोनी ने कांग्रेस के उपप्रधान राहुल गांधी के साथ दिल्ली में मीटिंग की। मीटिंग में पंजाब चुनाव के रणनीतिकार प्रशांत किशोर और पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज शकील अहमद भी शामिल हुए। पंजाब में कौन से मुद्दों पर अकाली दल और आम आदमी पार्टी को घेरे, इस पर चर्चा हुई। इसके साथ ही 2017 के चुनाव के लिए कैप्टन की नवी टीम पर भी चर्चा हुई। पंजाब में जो अकाली भाजपा ने मिस क्रिएट किया है, कैसे पंजाब की जनता को उससे निजात दिलाया जाए। केजरीवाल साहब जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, पंजाब जाते हैं तो सतलज यमुना लिंक कनाल पे पंजाब का साथ देते हैं और दिल्ली आते हैं तो हरियाणा की वाहवाही करने लगते हैं। तो ये जो राजनीति का दोहरा चरित्र है, इन सबको कैसे टैकल किया जाए और पंजाब की जनता को सही स्थिति से कैसे अवगत कराया जाए, उसी संदर्भ में बात हो रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव न सिर्फ कैप्टन की प्रतिष्ठा का फैसला करेंगे बल्कि पंजाब में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। 10 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। इस बार कांग्रेस के लिए दोहरी चुनौती है, एक तरफ अकाली दल तो दूसरी तरफ पंजाब में लगातार अपना आधार बढ़ा रही आम आदमी पार्टी। कैप्टन पहले ही इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव ऐलान चुके हैं। इस रणनीति को लेकर कैप्टन इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कैप्टन को पार्टी ने इस बार रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी दिया है, पर जिस तरीके से पार्टी में लगातार बागियों की गिनती बढ़ रही है, कैप्टन के लिए 2017 की सियासी राह आसान नहीं होगी। राजन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।